हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 2441, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विद इट्स नेगेटिव। सो द क्वेश्चन इज गिवन एन इंटीजर एरे नम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी जीरोस, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच डैट माइनस के ऑल्सो एग्जिस्ट इन द एरे। और अगर ऐसा कोई इंटीजर मुझे नहीं मिलता तो मैं रिटर्न करा दूंगा माइनस वन। सो इसमें बेसिकली ये कि हमें इनपुट में एक नम्स एरे दे रखा है, ठीक है, और इसमें मुझे नम्स में से एक ऐसा नंबर फाइंड कराना है जो कि लार्जेस्ट हो और जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स एग्जिस्ट करें नम्स में। जैसे ये वाला जो मेरा एरे है, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो है मेरा 3, और 3 भी यहाँ पे एग्जिस्ट है, और मतलब इस एरे में जो है 3 भी आ रहा है और -3 भी आ रहा है, तो मैंने रिटर्न करा दिया 3 रिटर्न करा दिया यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली ये जो मेरा ये वाला एरे है नम्स 2 और एग्जाम्पल 2 में जो दे रखा है, इसमें जो मेरा लार्जेस्ट नंबर है वो है मेरा 10, बट यहाँ पर जो है -10 नहीं आ रहा, तो इसको तो मैं कंसिडर कर नहीं सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो है मेरा 7, और यहाँ पे -7 भी आ रहा है, तो 7 और -7 दोनों आ रहे हैं, तो मैंने रिटर्न करा दिया यहाँ पे 7। सिमिलरली ये वाला देखो, तो यहाँ पर जो है मेरा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है मेरा, यहाँ पर कोई सा भी नहीं है, मतलब लार्जेस्ट नंबर तो है यहाँ पर 7 है बट उसका नेगेटिव नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया -1। सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं वैसे तो, मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट वे जो बता रहा हूँ वो ये है कि आप क्या कर सकते हो सिंपली, कि जैसे मेरे को ये नंबर मिला है 1 वाला, ठीक है, तो आप क्या करो कि अगर ये नंबर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर ये मेरा पॉजिटिव नहीं है, अगर ये नंबर मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो आप चेक कर लो ना बाकी एरे में कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव नंबर है यानी कि +1 जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और ऐसे करते करते हर बार आप ट्रैक रखोगे कि वो मैक्सिमम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर का ट्रैक रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस एरे को ना पहले से शॉर्ट करके रख दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा -1, ठीक है, -3, और ये आ जाएगा मेरा 2, 3। तो इसके दो तरीके, तो इसका जो शॉर्ट करने शॉर्ट क्यों करा है मैंने, इसके ना दो फायदे हैं, ठीक है। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो मेरे नेगेटिव नंबर्स हैं ना वो सारे एक तरफ होगा, यहाँ पे देखो जो -1 -3 ये सारे एक साथ आ गए, सिमिलरली पॉजिटिव नंबर्स भी एक साथ आ गए। तो अगर मुझे पता करना हो कि इस एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कौन सा है, तो वो ऑलरेडी मुझे पता चल जाएगा कि मैं अगर लास्ट से ट्रैवर्स करते हुए चलूँ तो 3 जो है मेरा वो पॉजिटिव नंबर है, सबसे बड़ा भी 3 है, ठीक है। अब इस 3 के लिए मैं चेक कर लूँगा कि इधर मेरा -3 आ रहा है, तो हाँ देखो आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम निकाल रहा हूँ बार बार मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि भाई जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है वो है मेरा 3 जो कि लास्ट वाला है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक -3 मेरे को मिल रहा है, एक नेगेटिव नंबर मेरे को मिल रहा है, तो आंसर भी मेरा वही हो जाएगा, तो मैंने रिटर्न करा दिया यहाँ पर 3, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले तो इसको ना आप शॉर्ट कर लो, ठीक है, मतलब जो मेरे को इनपुट में दे रखा है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ नम्स डॉट बिगिन, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले इसका मैं साइज पता कर लेता हूँ जो कि हो जाएगा नम्स डॉट साइज, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अब यहाँ पे देखो मैं इसको ना लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो लास्ट में होगा, तो मैं i इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से स्टार्ट करता हूँ, और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड i को मैं करते जाऊँगा पीछे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एलिमेंट पता कर रहा हूँ, ठीक है, तो एलिमेंट अभी करेंटली जो मेरा एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा नम्स ऑफ i। और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट, पहली बात तो ये एलिमेंट मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मेरा एलिमेंट है ये पॉजिटिव एलिमेंट होगा ना, क्योंकि मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने कंडीशन भी लगा दी कि भाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये एलिमेंट जो है ये पॉजिटिव एलिमेंट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी सर्च एक फंक्शन होता है, मैं वो कॉल करा रहा हूँ, और मेरे को पता करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई नेगेटिव एलिमेंट है या नहीं है। तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च मैंने पता करा और सिंपली नम्स डॉट बिगिन से नम डॉट एंड, और मेरे को पता क्या करना है माइनस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि मेरे को नेगेटिव एलिमेंट चाहिए ना। अब अगर मैं पॉजिटिव वाला तो मेरा ये रहा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं चेक करूँ कि क्या मेरे को नेगेटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो अगर मेरे को मिल रहा है तो आप सिंपली रिटर्न करा दो उस वाले एलिमेंट को, और अगर नहीं मिल रहा तो इन्होंने बोला था कि अगर नहीं मिले तो रिटर्न करा देना है -1, ठीक है। और इसको एक बार कर देते हैं रन,
तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है यहाँ पे, ठीक है, और इसको सबमिट भी कर देते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, शॉर्ट करा इसको, है ना। तो इसकी तो मेरी एन लॉग एन हो गई, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं तो एन लॉग एन हो गई। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वाले की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लॉग एन, और इस पूरे की क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा एन लॉग एन, ठीक है। एन लॉग एन क्यों आएगी, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए मैं बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट फंक्शन है, और यहाँ पे लॉग एन भी है, तो एन इंटू लॉग एन हो जाएगा तुम्हारा इस वाले मेथड, और स्पेस भी तो तुम्हारी ओ ऑफ वन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज, क्योंकि मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पे। दूसरा मेथड क्या है कि क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वही शॉर्ट कर दो तुम, ठीक है। शॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 -3 और 2n3। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने ना पॉइंटर्स का यूज़ कर सकता हूँ, कि जैसे एक पॉइंटर मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड एक पॉइंटर मैंने लगा दिया यहाँ पर, INJ, टू पॉइंटर्स अप्रोच का मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को एक ऐसा एलिमेंट पता करना है जो जो कि मैक्सिमम भी हो और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं किसी पॉजिटिव एलिमेंट और किसी नेगेटिव एलिमेंट को एक साथ ऐड कर दूँ तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है ना। तो इसी चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब वो कैसे यूज़ कर सकता हूँ, देखो इस वाले एग्जांपल में मैं ड्राई रन करने वाला हूँ, ठीक है। इनिशियली मेरा जो आई है और जो जे है वो एक्सट्रीम एंड्स पर प्रेजेंट है, जब मैंने इनको शॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर लूँ, यानी कि -1 और 3 को मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 2, ठीक है। यानी कि ये मेरा ज़ीरो नहीं आ रहा। तो ज़ीरो नहीं आ रहा तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है ना, और वो दिख भी रहा है कि सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किन्हीं दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, तीन है, कि एक तो मेरा ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, मतलब मैं एक सम वेरिएबल बना रहा हूँ, तो एक तो ये है कि भाई ये तो ज़ीरो आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सम जो है मेरा लेस देन ज़ीरो आ रहा है, या फिर सम जो है मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। तो ये वाला जो केस है मेरा जिसमें मैं -1 और +3 कर रहा हूँ, इसका आंसर मेरा 2 आ रहा है, तो 2 मेरा ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को तो चाहिए 0, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा सम जो है ना वो थोड़ा कम हो, ठीक है। मतलब क्या है कि 2 जो आ रहा है वो थोड़ा कम हो, 0 की तरफ आए थोड़ा। तो अगर मेरे को 0 की तरफ लाना है तो मैं क्या करता हूँ कि जो लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट वाला जो मेरा ये पॉइंटर है, इसको पीछे की तरफ लाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपना सम कम करना है। अगर मेरे को अपना सम ज़्यादा करना होता तो मैं पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाता, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाने के लिए ये जो आई है इसको मुझे प्लस प्लस करना पड़ता, बट फिलहाल के लिए मेरे को जे को करना पड़ेगा पीछे, तो जे आ जाएगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये केस समझ में आ गए, तीन केस होते हैं, तीन केस होंगे यहाँ पर, कि एक तो ज़ीरो आ रहा है, एक लेस देन ज़ीरो आ रहा है, और एक ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जे को मैं गलाया पीछे। अब अगर आप देखोगे तो इसको मैं यहाँ से अगर हटा दूँ, ठीक है, और अभी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 एंड +2, तो ये आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। तो अभी भी मेरा जो है नंबर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अभी भी मेरे को जो है इसको पीछे लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि और छोटा नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आ गया मेरा जे, बट अगर मैं यहाँ पे -1 और -3 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा -4। तो भाई -4 तो 0 से कम हो गया, बट मेरे को 0, मेरे को क्या करना है, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है, मेरे को 0 की तरफ जाना है। तो 0 की तरफ जाना है तो उस केस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने आई को इनक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आई को इंक्रीज कर दूं तो ये आई हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है, और जे इधर ही आ जाएगा वापस, ठीक है। अब देखो इनको मैं अगर ऐड करूं तो -3 और +3 कितना हो जाएगा मेरा, 0। और जैसे ही मेरे को 0 मिला, मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, मैं आई वाला एलिमेंट रिटर्न कराऊंगा या जे वाला रिटर्न कराऊंगा, मैं रिटर्न कराऊंगा जे वाला एलिमेंट, ठीक है। तो नम्स ऑफ जे जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, नम्स ऑफ जे उसको रिटर्न करा दोगे, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव एलिमेंट्स रिटर्न कराने, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो ये आप टू पॉइंटर्स अप्रोच का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी वही है कि आप इसको शॉर्ट कर दो, तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं नॉन अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट मैंने कर लिया इनिशियली, और इसको भी कर देता हूँ, मेरे को मेरा साइज़ भी चाहिए होगा। और यहाँ पे क्या है कि आप दो पॉइंटर्स बनाओ, एक आई है जो कि जीरोथ पे रहेगा, एक जे है मेरा जो कि लास्ट पे रहेगा n-1। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि वाई लाई लेस देन जे, ठीक
ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को पता करना सम, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा मेरा, इनिशियली नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, यानी अभी मैं एक्सपेरिमेंट्स पे जो नंबर्स प्रेजेंट है उनका सम निकाल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को मैक्सिमम का भी ट्रैक रखना है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डाल लेता हूँ इंट मैक्सी, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं मिन से, इंट मिन से, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया सम, मैंने क्या बताया था, थ्री केसेस है यहाँ पर। थ्री केसेस का जो फर्स्ट केस है वो क्या है कि भाई सम जो है ना वो मेरा जीरो आ गया। तो अगर मेरा सम जीरो आ गया तो उस केस में जो मेरा मैक्सी होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कोमा नम्स ऑफ जे होगा। नम्स ऑफ आई मैं नहीं करूँगा क्योंकि नम्स ऑफ आई तो नेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। नम्स ऑफ जे करना है मेरे को, तो इन दोनों का जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम चला जाएगा अगर सम मेरा जीरो होगा, ठीक है। और आगे के लिए भी मेरे को देखना पड़ेगा ना कि भाई क्या पता इससे और ज़्यादा मैक्सिमम कोई एलिमेंट मिल जाए, तो उसके लिए मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया एंड जे को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कि भाई सम मेरा जीरो आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एल्स इफ कि मेरा सम जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो लेस देन जीरो में मैंने क्या बताया था, मेरे को जीरो की तरफ जाना, तो जीरो की तरफ जाना है तो आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, जे को माइनस माइनस नहीं। लास्ट वाला केस कौन सा होगा कि मेरा सम जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा, तो उस केस में जे को पीछे की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है मेरे को, जब इस वाइल इस वाले लूप से मैं बाहर आ जाऊँगा, जो वाइल वाला लूप है इससे मैं बाहर आ जाऊँगा, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा पहले कि भाई अगर मेरा मैक्सिमम नॉट इक्वल्स टू इंट मिन है, इसका मतलब मेरे को मेरा वैलिड आंसर मिल चुका है। तो वैलिड आंसर मिल चुका है तो उसको रिटर्न करा दो, तो क्या रिटर्न कराना है, मैक्सी। और अगर मेरे को नहीं मिला, यानी एल्स मेरे को नहीं मिला, मतलब क्या है कि मेरा जो मैक्सी है वो अभी भी इंट मिन ही है, तो उस केस में माइनस पर रिटर्न कराना है, ठीक है। जैसे ये वाला जो केस था ना यहाँ पे, इस वाले केस में जो मेरा इंट मिन है, सो जो मेरा मैक्सी होगा वो इंट मिन ही होगा, उसमें वैलिड आंसर कोई नहीं होगा, तो उसे मैं रिटर्न कराते हैं माइनस वन। इसको एक बार कर देते हैं रन, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्टेड हो गया है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, वो भी एन लॉग एन ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, पहली बात तो मैं हर एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा हूँ ना, ठीक है। हर एलिमेंट को मैं एक बार यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट फंक्शन का भी यूज़ करा है, ठीक है। तो n इंटू लॉग n हो जाएगा फिर से, मतलब बेसिकली ये ऐसे होगा कि इस अंदर वाला ये जो वाइल वाला लूप है ये तो मेरा ओ ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और शॉर्टिंग की वजह से ये n लॉग n हो जाएगा, तो ओवरऑल इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, मेरा n लॉग n है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लॉग n आ रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 आ रही है, यानी कॉन्स्टेंट आ रही है, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।